जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कई भाई बहनों का कई बार से प्रश्न था, गुरु जी स्वयं अपने घर में हम सहजता से सरलता से सत्यनारायण भगवान की कथा विधिवत कर सके, ऐसा आप मुझे वीडियो अर्पित कीजिए। प्रभु जी की कृपा से आज मैं वो संक्षेप रूप में प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे प्रभु जाने। मेरे भाई बंधु, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दो जगह हमने मंडप बना करके रखा है, आपको केवल समझाने के लिए। विधिवत जैसा आप सभी जानते हैं, चार खंभे लग करके एक मंडप बनाया जाता है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि इसमें चार खंभे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे कलर से भगवान का स्थापन बनाया गया है। पर आप यहां देखेंगे तो हमने सफेद में बनाया है, ताकि जो है आप सभी लोग समझ सकें। अब आप वहां से देखेंगे, सर्वप्रथम हमने स्वास्तिक बनाया है, स्वास्तिक में उधर की सुपारी गणेश जी के लिए, इधर की सुपारी गौरी माता जी के लिए। यहां पर अगर हम सेंटर में आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि नारायण भगवान और उनके लेफ्ट साइड में मैया महालक्ष्मी, सेंटर में जो है वरुण भगवान रहते हैं और यहाँ पर जो है नवग्रह विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार से जैसे फोटो आप देख रहे हैं, शास्त्रीय विधि से फोटो रखना आवश्यक नहीं है, पर हाँ प्रभु की तस्वीर होने से हमारा मन और भी लगता है। तो अगर चार खंभे न मिले तो एक खंभे से भी आप जो है मंडप बना सकते हैं। आप देखेंगे ईशान कोण, अगर ये पूरब दिशा है तो ईशान कोण में अगर एक खंभा है तो लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपके घर में आचार्य पुरोहित आते हैं तभी जो है चौरंग के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके इस प्रकार से करना संभव होता है और करना चाहिए। अब स्वयं को करना है तो मैं बहुत संक्षेप रूप में दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो बहुत कंपल्सरी है और जो करके आप सत्यनारायण भगवान की पूजा स्वयं कर सकते हैं। प्रारंभ करने के पहले आपको सामग्री का दर्शन करा देता हूँ, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आप अगर मंडप से आते हैं तो जैसा कि चौरंग ना होकर के अपने पास पीढ़ा है अथवा पाटला है, उसके ऊपर हमने पीला वस्त्र बिछाया और सेंटर में कलश रखा। जो विदेश में भाई बहन है वहां आम के पत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं, तो अगर वो पत्ता नहीं मिला पान का पत्ता रख सकते हैं, पान का पत्ता नहीं मिला अशोक का पत्ता कोई पवित्र पत्ता रख सकते हैं, वो सब भी नहीं मिला तो केवल जल भर करके धागा बांध करके स्वास्तिक बना करके, नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर ये पूर्ण पात्र रख सकते हैं। यही नहीं, अगर पत्ता कोई भी ना मिला तो पूरे लोटा में चावल भर के रख सकते हैं, नहीं तो जल भर करके ऊपर जैसे दिया जला के पहले लोग रखते थे ऐसे आप दीप प्रज्वलित करके भी, इसको दीप कलश बोलते हैं, ऐसा रख सकते हैं और भगवान जी को आगे ही पूजा करके बैठा सकते हैं। पर आज जो मध्यम विधि है वो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आपने पाटला पर वस्त्र बिछा दिया, पीला वस्त्र होना चाहिए। एक भगवान के दाहिने अथवा अग्नि कोण में भी दिया जला के रख सकते हैं, यहाँ मैं जल जाता इसलिए अभी वहां रख दिया हूं, पर वहां भी रख सकते हैं, अग्नि कोण है और यहाँ भी रख सकते हैं, इसलिए उस सुविधा का हमने लाभ लिया। इसके बाद में भगवान को स्नान कराने के लिए थाली हो गई। अगर यहाँ पर दूसरा पाटला आपके पास नहीं है तो एक थाली ऐसे पलट के रख दीजिएगा, उसके ऊपर स्नान कराने वाली थाली रख देंगे तो थोड़ा ऊंची हो जाएगी, उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद में भगवान को पोछना है, पोछने के लिए ये वस्त्र है, स्नान पंचामृत से कराना है इसलिए पंचामृत इसमें रखा हुआ है। फिर इसके बाद में जब से स्नान कराना है फिर दूर से अभिषेक करना है। इसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पण करना है। अगर भगवान ने दिया है तो हर महीने आप करते हैं तो अलग अलग वस्त्र अर्पण कीजिए, नहीं तो जय जय सियाराम रक्षा सूत्र जिसको मौलिक कलावा बोलते हैं वो तो उपलब्ध है ही। इसके बाद में जनेऊ अर्पण होगा, फिर चंदन अर्पण होगा, इसके बाद में हल्दी है, कुमकुम है, मैया को सिंदूर होगा और श्रीमन नारायण भगवान को, सत्यनारायण स्वरूपी भगवान को तिल का अक्षत चढ़ाना चाहिए। तिल को धो करके हमने रख लिया है। इसके बाद फूलों से सजाना चाहिए, जैसा कि सुगंधित फूल है, आपके यहाँ ये सब ना मिल पाया, एक गुलाब की पंखुड़ी मिल गई तो भी पूजा हो जाएगी,
मन में संदेह मत रखिएगा, इसीलिए कम से कम फूल रखने का प्रयत्न किया हूँ। इसी प्रकार तुलसी दल है, साफ सुथरा करके दल बना के रखना चाहिए, नहीं है तो एक पत्ता से भी पूजा हो जाएगी। दुर्वा है, गुलाब का फूल है, चंपा है, ये सब ना भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर हो सकता है तो भारत में रहते हैं उनको अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद में धूप होगा, धूप के बाद में एक छोटी दिया होगी, बाद में आरती की दिया होगी, इसके बाद में भगवान को भोग अर्पण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सत्यनारायण भगवान के लिए सवाया के हिसाब से ये हलवा प्रसाद है, और इसके बाद में जल है भोग लगाने के लिए, इसमें जल रखा हुआ है, पंचामृत रखा हुआ भोग लगाने के लिए, यहाँ पर गणेश जी के लिए हलवा रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है भोग लगाने के लिए गुड़ रखा हुआ है। शास्त्री जी हमारे बोलते हैं ओपन कर लीजिए, ये गुड़ है, गुड़ का भोग लगेगा। ये प्रतिवार जो है हमारे निकेत भैया हैं वो भेजते रहते हैं, और ये हलवा इनके लिए 500 पाड़ी लौंग इलायची एक फल है। गणेश जी के लिए भी आप 5 फल रख सकते हैं, पर प्रधान देवता के लिए केला भगवान को विशेष प्रिय है, फल रखा हुआ है। इसके बाद में 500 पाड़ी लौंग इलायची ये रखा हुआ है, दक्षिणा यहाँ पे रखा हुआ, कंजूसी से आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। इसके बाद में भगवान के जैसे कि दूसरी आरती बना के रखा हूं, आरती होगी, इसी के बीच में तुलसी दल इत्यादि अर्पण करना चाहिए 11, 21, 51 जितना हो सके, और उसके बाद में आरती के पहले ही आप सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने का बड़ा ही महत्व है, संस्कृत नहीं आता तो हिंदी में भी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। कई लोग हवन के लिए बोलते हैं, सत्यनारायण पूजा में हवन कंपलसरी नहीं है, इसलिए जब आप सामान्यतया पूजा करेंगे तो अपने घर में, अब आप देखते होंगे जैसे गणेश जी हैं, महालक्ष्मी हैं, नारायण हैं, अगर तीनों मूर्तियां घर में नहीं हैं और हम करना चाहते हैं तो यहाँ सुपाड़ी में हम आवाहन करा सकते हैं, अथवा घर में पर्याप्त नारियल है तो नारियल में भी आवाहन करा सकते हैं। चूंकि यहाँ मूर्तियां विद्यमान है इसलिए सुपाड़ी में यहाँ से हटा दे रहा हूँ। दूसरा, आप ये देख रहे होंगे, हंसी भी आ रही है कि केले का पत्ता हमने गिलास में क्यों रखा है। मान लिया किसी के यहाँ इस प्रकार का झाड़ उपलब्ध नहीं है, जैसा कि 4 झाड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा, झाड़ मतलब पेड़ छोटा, अगर नहीं मिला तो 4 पत्ता भी लगा दिया, वो नहीं मिला तो एक छोटा पत्ता। अब छोटा पत्ता यहाँ बांधने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए गिलास में जल भर करके इसको हमने रख दिया है। ईशान कोण के हिसाब से पूरब है, ये ईशान कोण हो गया, अग्नि कोण में जो है दीप प्रज्वलित है, तो ऐसा आप लोग अपने घर में भी रख सकते हैं निसंकोच। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जो रेगुलर अपने चैनल पर बने हुए उनको पता है, सर्वप्रथम हमें स्नान त्याग करके विष्णु भगवान की पूजा में पीला वस्त्र अथवा श्वेत वस्त्र धारण करके आना चाहिए। आने के बाद आसन के ऊपर, आसन ऊनी होना चाहिए, बैठना चाहिए, छोटी त्याग बांध के टीका लगा करके बैठना चाहिए। सर्वप्रथम हम आचमन करते हैं, 3 बार जल लेते हैं। प्रथम बार ओम केशवाय नमः, द्वितीय बार ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल के हाथ धो के बगल में छोड़ दिया। इसके बाद पवित्री है तो पवित्री धारण करना चाहिए, नहीं अंगूठी है तो अंगूठी धारण करना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसा कि इसके बाद में दीप को प्रज्वलित नहीं तो प्रज्वलित करना चाहिए, प्रज्वलित है तो थोड़ा सा ये चावल लिया, फूल लिया, दीप के आगे अर्पण कर देना चाहिए। दीप नारायणाय नमः नमस्कारोमि। इसके बाद में एक षष्ठी वाचन का मंत्र बोल देता है, इसको आप हर बार सुन लीजिएगा। इसी के साथ में आपको दर्शन भी हो जाएगा कि स्वयं अगर आप इस प्रकार से करना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं है, जैसा हो सके वैसा कीजिए, करना आवश्यक है। सुनिएगा, सुनते रहिएगा और भगवान को निहारते रहिएगा। हरे हि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। अभी गणेश जी को प्रणाम कीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, मातृपित चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, प्रधान भगवान श्री सत्य नारायणाय नमः। ऐसा सुन करके जो भगवान सत्यनारायण स्वरूपी
यहाँ गोपाल जी विराजमान है उनके आगे अर्पण कर देना चाहिए, इनको वस्त्र पहना करके भी रखना चाहिए, पर छोटे इसलिए इनको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। इसके बाद में हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में जैसा कि आप जानते हैं, सुपाड़ी रख लिया, चावल रख लिया, एक जो है 11 रुपया रख लिया, अथवा उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं। इसके साथ में पुष्प रख लिया और जल रख लिया। कुछ भी नहीं है आपके पास उपलब्ध तो चावल और जल अवश्य रख लीजिए। इसके बाद में जो बोलता हूँ इसको सुन लीजिएगा, और उसके बाद में जहां मैं अर्पण करूंगा वहां आप अर्पण कर दीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ काश्यपस्य गोत्रोत उत्पन्नो हम अमको हम भगवान श्री सत्य नारायणस्य कृपा पात्रो हम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त अर्थम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत आधार सर्वेश्वर भगवान महालक्ष्मी सहित श्री सत्य नारायण पूर्ण रूपेण प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात सर्वविध कल्याणार्थम अद्य पावन दिने अति संक्षिप्त विधिना गणपति सह लक्ष्मी नारायणस्य पूजन वरुण पूजन पूर्वकम सत्यनारायणस्य कथा श्रवणम महम करिष्ये। ऐसा करके गणेश जी के आगे अर्पण कर दीजिएगा, गणेश जी को प्रणाम कर लीजिएगा। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरिया। इसके बाद में अब हमें आवाहन करना चाहिए। आवाहन में जैसे आपने चावल लिया हाथ में, गणेश जी की मूर्ति की अगर आप रोज पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर रोज पूजा नहीं करते गणेश जी लक्ष्मी जी और लड्डू गोपाल जी को तो इनका आवाहन करना चाहिए। रोज पूजा करते हैं तो आवाहन वाला विधि मत कीजिएगा। अगर इनकी जगह सुपाड़ी रखा तो सुपाड़ी में भी सेम विधि से आवाहन होगा। जैसे ओम गं गणपतये नमः गं गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, इसकी जगह सुपाड़ी होता तो सुपाड़ी पर भी यही चावल अर्पण होता। इसके बाद में माँ महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीम आवाहयामि स्थापयामि, इसके बाद में गोपाल जी के लिए भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः सत्यनारायणम आवाहयामि स्थापयामि तिल इनके ऊपर अर्पण कर दीजिए। कलश की पूरी विधि से जैसे इसमें हमने जल छोड़ दिया, इसके बाद में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी छोड़ दिया, पत्ता को स्पर्श कर लिया, इसके बाद में इसमें एक सुपारी अर्पण कर दिया, दक्षिणा द्रव्य अर्पण कर दिया, इसके साथ में दूर्वा अर्पण कर दिया। ये सब पहले भी करके आप रख सकते हैं, कुछ शेष रह गया हो उसके लिए तुलसी का पत्ता अर्पण कर दिया, धागा बांधा था इसको छू लिया। इसके बाद में यहाँ पूर्ण पात्र वगैरह रखा जाता है, तो बाई चांस जहाँ पर नहीं है नारियल वगैरह भी उपलब्ध नहीं होता है वहाँ के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो इस पर पूर्ण पात्र की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे ओम वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। अब इसके बाद में तीनों को ढक करके ऐसे इस मंत्र को सुन लीजिएगा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाये मा महेतिश्च कश्चनः आवाहिताः गणपति सहिताः वरुण सहिताः भगवान लक्ष्मी नारायणः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। ऐसा करके फिर हाथ हटा लीजिएगा, फिर जो है 4 चम्मच जल ऐसे घुमा करके भगवान के सामने से 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया अर्पण कर दिया। अब इसके बाद में भगवान को इसमें बैठा करके इनकी पूजा करनी है, तो बैठाने के पहले थोड़ा सा फूल लेकर के आपने इनको आसन के हिसाब से स्नानशाला में आपने बिछा दिया। अब इसके बाद में इनको पहले गणेश जी को बुला लिया, गणेश जी यहाँ बैठ गए, फिर मैया बैठ गई, इसके बाद में नारायण आ गए। कई लोग नवग्रह की बात करते हैं, छोटी पूजा में नवग्रह कंपलसरी नहीं होती, छोटी पूजा मतलब कंपलसरी नहीं है, आचार्य पुरोहित आते हैं तो बात अलग है, स्वयं करना है तो इतना अपने आप में पर्याप्त है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा जल जो है सभी के ऊपर में जल से स्नान करा दिया। बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोग कर सकें। इसके बाद में जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, अब हम पंचामृत से स्नान करा देते हैं। पंचामृत स्नानियम समर्पयामि अथवा पंचामृत स्नानियम समर्पयामि श्रीमन नारायणाय नमः गणपतये नमः मां महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में
पुनः जल से स्नान करा देना चाहिए। सुदुर्ग स्नानियम समर्पयामि, बहुत सारी विधियां हैं, इत्र वगैरह हो उससे स्नान करा दीजिए, चंदन से करा दीजिए, फलों के रस से करा दीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा फूल अर्पण करके हाँ अभिषेक अवश्य करना चाहिए। देखिए गणेश जी स्वयं अपने लिए दुर्वा ले लिए, अभिषेक करना चाहिए। तो अगर शंख है तो शंख में जो है दूध भर के पहले गणेश जी के ऊपर में ओम गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, ऐसा कम से कम चार बार बोल के फिर यहाँ पर आ जाए। ओम श्रीम श्री नमः, 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 इसके बाद यहाँ आ गए। ओम श्रीमन नारायणाय नमः, 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 ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, ऐसा बोलते रहे। अगर माल्य शंख आपके पास में नहीं है, दोना में आपने रख लिया अथवा गिलास में रख लिया दूध को, और इसके बाद में फूल के द्वारा जैसा आपने शंख के द्वारा किया था ऐसा फूल के द्वारा डायरेक्ट नहीं चढ़ाना चाहिए, बचना चाहिए। फूलों के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं, अथवा जैसे ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये, इस उंगली को अवॉइड करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीमन नारायणाय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा जो है ऐसा भी लेकर के बाद में ऐसा भी अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से अभिषेक हो गया। अभिषेक के बाद में पुनः जल से इनको विधिवत स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद इनको पूछना होगा, पूछने के लिए वस्त्र ये तैयार है, ऐसा लिया आपने, ये वस्त्र निकाल दिया, और उसके बाद में आराम से इनको श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण, एक का जल दूसरे के ऊपर ना पड़े इस बात का ध्यान रखें। श्री हरि नारायण नारायण, और अच्छी तरह साफ भी हो जाए भी ध्यान रखिए। नारायण केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण, स्नान हो जाए फिर इसके बाद में ये जल अलग कर देना चाहिए सामने से, और भगवान को अतिशीघ्र जो है पूछना चाहिए। पूछने के पहले यहाँ जगह बना लेना चाहिए, क्योंकि हम गणेश जी बैठेंगे और लक्ष्मी नारायण के ऊपर बैठेंगे, तो गणेश जी को सब प्रथम इनकी पूजा करनी चाहिए। समय हो तो सबसे पहले इनकी पूजा संपन्न करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो इनसे आज्ञा लेकर के भी हम लोग ऐसा आजकल करते हैं। वाम भाग शोभित जग जननी, यहाँ मैया विराजमान हो गई, नारायण विराजमान हो गए। अब इनके वस्त्र अगर आपने लाया है तो इस पर जो है आप जो है थोड़ा सा नारायण के लिए लाया तो आपने तिल अर्पण कर दिया, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में रक्षा सूत्र सबको अर्पण करना चाहिए, अथवा गोपाल जी के लिए नया वस्त्र है अथवा पुराना वस्त्र धुला हुआ है तो वो अर्पण करना चाहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, वस्त्रम समर्पयामि, क्या बोलेंगे, वस्त्रम समर्पयामि। फिर इसके बाद मैया को चढ़ा दिया वस्त्रम समर्पयामि, और फिर जैसा कि मैं मजाक में बोला मैया जी के सैया जी प्रभु को वस्त्र अर्पण कर दिया, ये उचित नहीं है प्रभु के लिए लेकिन ठीक है। फिर एक चम्मच जल घुमा करके ऐसा एक साथ में अर्पण कर दिया। अब जनेऊ चढ़ाना, यज्ञ बबेटम, प्रभु का स्वरूप छोटा है, चंदन पहले से लगा हुआ है तो ऐसे हम बगल में ही रख देते हैं। यज्ञ बबेटम समर्पयामि, और यहाँ पर श्रीमन नारायण जी के पीछे लगा दिया। इसके बाद में पुनः एक चम्मच जल हमें अर्पण करना चाहिए, वस्त्रांग आत्मनियम समर्पयामि, चाहे तो गणेश जी के लिए अलग दो आत्मनि अर्पण कर दिया। अब जो है हमें चंदन अर्पण करना चाहिए वस्त्र के बाद में, उपवस्त्र वगैरह होता है पर ठीक है, सबसे में समाहित हो गया, अब चंदन अर्पण करना है। गंधम समर्पयामि, मैया को लगाना चाहिए, और इसके बाद में प्रभु नारायण को चंदन लगाना चाहिए। गंधम समर्पयामि, इसके बाद में कुमकुम लगा देता हूँ, इसके बाद कुमकुमम समर्पयामि, कुमकुम अर्पण कर दिया कोई बात नहीं। इसके बाद अक्षत अर्पण कर देते हैं गणेश जी को, अक्षतान समर्पयामि, मैया को भी अर्पण कर दिया, और गणेश जी के तो एक लग भी सकता है ऐसा, लेकिन कुमकुम लगा दिया लगना मुश्किल है, और नारायण जी को जो है तिल का अक्षत जो है तिलाक्षतान समर्पयामि श्रीमन नारायणाय नमः। अब इसके बाद में कुमकुम लग गया, हरिद्रा बाकी है, हरिद्राम समर्पयामि, ये कंपल्सरी है। अबीर गुलाल वगैरह भी अर्पण कर सकते हैं, करना भी चाहिए, पर बहुत गंदा मिलता है क्या बताऊं। इसके बाद सिंदूर है, सिंदूरम समर्पयामि,
सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर अर्पण कर दिया। इसके बाद में फूलों से सजाना चाहिए भगवान को, जैसा कि मोगरा है तो मोगरा का गजरा गजानन जी को पहना दिया गया। उत्तर भारत में गणेश जी के साथ गौरी मैया की पूजा होती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर स्वयं करना तो ऐसा कीजिए जो आनंद पूर्वक कर पाए, ताकि गड़बड़ ना हो। ये फूल भी रास्ता देखते देखते सब जैसे से आराम हो गए, पर चलिए विचारों का एक साथ में ही चढ़ा देते हैं। अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं दो है, लेकिन वो वाला बहुत अच्छा नहीं, इसलिए एक नजदीक कर दिया। बेचारा अभी जन्म लिया, कहाँ कहाँ से आया, इसलिए उसको भी अर्पण कर दिया। अब इसके बाद में और फूलों से, जैसा कि बीच में गुलाब हो गया प्रभु के बीच में, और इधर में एक गणेश जी को भी चंपा दे दिया, नहीं कहेंगे अपने ले लिए दोनों लोग, और यहाँ नारायण के पास भी रख दिया गया। गणेश जी को भी बेलपत्र चढ़ता है, गणेश जी को बेलपत्र अर्पण हो गया। इसके बाद मैया को भी बेलपत्र चढ़ता है, माता जी को भी बेलपत्र अर्पण हो गया, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और अर्पण भी हो जाए। इसके बाद में थोड़ा फूल और चढ़ा दिया गया, सामने फूल रख दिया गया, और भी जितना फूल है आप चढ़ा सकते हैं गणेश जी के यहाँ भी। और इसके बाद में नारायण जी को पीला फूल प्रिय है, तो उसका एक लाभ ये हो सकता है दो पीला के बीच में गुलाब आ जाएगा, सुंदर भी लगेगा। अब इसके बाद में तुलसी दल अर्पण करना चाहिए, तो जितना अधिक हो सके कम से कम 11 बार, और जैसे कि गुच्छा आप देख रहे हैं गुच्छा होना चाहिए, जिसको दल बोलते हैं। देखिए पत्ता ये हो गया, पत्ता ये हो गया, और दल मतलब समूह, समूह ये हो गया, तो ये उत्तम माना जाता है। पर ना मिले तो पत्ता भी हो, भी ना मिले तो तोड़ तोड़ कर भी चढ़ा सकते हैं। तो अपने पास दल है, थोड़ा प्रयत्न करते हैं। ओम केशवाय नमः, इसके बाद में ओम नारायणाय नमः, तुलसी दलम समर्पयामि, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः। इस प्रकार से आप 11, 21, 51, 108, 1008 जो विष्णु सहस्र नाम वगैरह अर्पण किया जाता है, अर्पण करना चाहिए। तुलसी मैया को महालक्ष्मी जी के पास भी अर्पण किया जाता है, नारायण की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करती हैं, उनके मन में कोई विद्वेष नहीं है, हम लोगों के मन में विद्वेष है। गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पण करते हैं, गणपते नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। फूल बेचारे सुबह के लाए लाए सब वो हो गए, उतने अच्छे नहीं हैं, सबको नींद आ रही, क्या करें, हम जग रहे हैं लेकिन फूल क्या करें। तो ऐसे थोड़ा फूल सुंदरता भगवान और सज जाए ऐसा कर लेना चाहिए। माला वगैरह मैं उधर ही चढ़ा दिया, जानबूझ के नहीं चढ़ाया कि जो बाहर हैं विदेश में हैं बेचारे माला नहीं ला पाए तो उनके मन में दुख होगा, तो इसलिए हमने माला जिसको हार भी बोलते हैं महाराष्ट्र में वो नहीं अर्पण किया। आपके पास सुविधा है आप ला सकते हैं तो अवश्य ला करके अर्पण कीजिएगा। पुष्पहारम समर्पयामि, अब जो है धूप दीप करेंगे। दीप के द्वारा जो है धूप प्रज्वलित करना इजी रहता है, मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूँ, आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगरबत्ती भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती एक तो बांस लगी होती है और इतना ज़्यादा केमिकल लगी होती है जो हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगरबत्ती के बारे में पूरा वीडियो है अपने चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अवश्य देखिएगा कि धूप हमें करना चाहिए, धूप कैसे बनता है पूरा उसमें हमने बताने का प्रयत्न किया है। अब इसके बाद जब ये दोनों प्रज्वलित हो जाए तो ऐसा एक जल का सर्कल बना दिया, और उसके बाद में बिल्कुल नजदीक पास में ले जाके इसका सुगंधी आ जाए, बस और कुछ नहीं है। और भगवान के लिए साइड में रख देना चाहिए, धूप मागरा पे हमें नीचे कटोरी वगैरह लगा देना चाहिए, और इसके बाद में दिया लेकर के ऐसे आराम से जो है भगवान के श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए। दीपम दर्शयामि, तो ऐसा मान लिया वो बैठे होते वहाँ पूरी पूजा होती, तो ऐसे लेकर के बढ़िया विधिवत जो है चारों तरफ से ऐसा करके मैं ले आता, समझ लीजिए वो भी कलश भी है, ये भी है। अच्छा वो कलश के साथ में ये कलश रख के भी पूजा हो सकती है, इधर वरुण कलश उधर वरुण कलश होगा और उसके बीच में जो है नारायण कलश होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी पूरा वो पूजा करके केवल गणेश जी वहाँ रह जाएंगे, और बाकी इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आ गए तो सामने के लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे, तो वहाँ वरुण हो गए और वहाँ गणेश जी वहाँ पहुँच गए, नवग्रह वहाँ और नारायण यहाँ, ऐसा भी हो सकता है। इनको तो कोई वही नहीं है, दिया भगवान के दाहिने रखना चाहिए अथवा सामने रखना चाहिए, तो हमने अभी सामने रख दिया है। इसमें बार बार कहता हूँ दिया कभी भी ऐसा मत रखिए, तो इसके नीचे एक बर्तन जरूर लगा देना चाहिए, और दिया करने के बाद में ऐसा एक जल का सर्कल बना दीजिए, हाथ पुनः धो लेना चाहिए, हाथ धो करके और इधर छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद में भोग रखना चाहिए, भोग जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु को पंचामृत, केले का फल
और हलवा प्रसाद बहुत प्रिय है, तो प्रभु का ये भोग रखा हुआ है, इसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। ये यहाँ पे वहाँ तो गणेश जी जय जय श्री राम कर देंगे, भगवान का हाथ न जले इसलिए हमने इसको इधर कर दिया, और पंचामृत भी इधर ही आ गया जय जय श्री राम, और ये जल आ गया प्रभु का, और यहाँ गणपत बप्पा के लिए पत्ता है तो उपयोग होना चाहिए, बहुत है, अच्छा है। यहाँ पे ये फल हो गया, यहाँ पर गुड़ हो गया, यहाँ पे हलवा का भोग हो गया गणेश जी के लिए, और यहाँ पे इसी में 5 सुपारी लोग इलायची भी हो गया। अब एक साथ में रख देने में सुविधा रहती है, एक ही बार में गणेश जी वाले में दुर्वा अर्पण कर दिया, सभी सामग्री हो गई, और नारायण जी में तुलसी का पत्ता अर्पण कर दिया गया। इसमें दल की आवश्यकता नहीं, पत्ता भी हो सकता है। भोग लगाने के बाद में आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवान को पूरा समय मिल जाएगा। आपके द्वारा भक्ति से लाया गया दिया तो नहीं का है, प्रसाद ग्रहण करने में मंजरी आ गई, यहाँ चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से 2 चम्मच जल घुमा करके और यहाँ डाल लेना चाहिए। अब इसके यहाँ पर भी सत्यनारायण कथा सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अर्पण करने के बाद 11 बार 21 बार अगर सत्यनारायण कथा नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना चाहिए, उसके बाद में नैवेद्यम निवेदयामि ऐसा करके फिर जो है प्रभु थोड़ा और खा लीजिए। इसे आंख का पर्दा करके ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, भुज्यताम परमेश्वर, ऐसा भावना से 4 चम्मच जल जो है पुनः आत्मनाथम पानार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम ऐसा करके जलम समर्पयामि। इसके बाद में चंदन अनामिका उंगली में लेकर के इसे और यहाँ सभी जगह छिड़क देना चाहिए। कोरोना से चंदनम समर्पयामि, मुखवासा से पूंगी फल मतलब सुपारी, तांबूल एला लौंग आदि मतलब लौंग और इलायची रखा हुआ है, यहाँ गणेश जी का अलग रखा हुआ, ये अर्पण हो गया। फल को छू लेना चाहिए, फलम समर्पयामि, फल साबुत भी होना चाहिए, और अगर कई प्रकार के फल हैं तो कटा हुआ भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में दक्षिणा चलाना चाहिए, दक्षिणाम समर्पयामि, गणेश जी का दक्षिणा अलग रहेगा और इसके बाद में नारायण का दक्षिणा माता जी के साथ में अलग, दक्षिणा के द्वारा श्रृंगार भी हो जाए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब दक्षिणाम समर्पयामि ऐसा करके यहाँ बगल में चढ़ा सकते हैं, नोट भी अच्छी हो प्रयत्न करना चाहिए। जब दक्षिणाम समर्पयामि, यज्ञ की पत्नी या दक्षिणा जो भी सामग्री नहीं है उसकी जगह चावल चढ़ा सकते हैं और बाद में उसकी जगह दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, तो भी आपका यज्ञ पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के बाद में इसे मंत्र पुष्पांजलि समर्पण ये चढ़ा देना चाहिए। अब जो है सत्यनारायण के सेंटर में टीका लगा दीजिए, तुलसी का दल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में जो आपके आचार्य हैं पुरोहित अगर आए हुए हैं तो उनको टीका लगा दीजिए, उनको दक्षिणा इत्यादि दीजिए, वस्त्र दीजिए। सत्यनारायण में ही आया, विप्रेभ्यो धनं दत्वा कथां श्रुत्वा निशामुखे, पूजा के बाद में ब्राह्मण को धन दे करके निशामुखे मतलब संध्या बेला में सत्य नारायण व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप स्वयं कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो आचार्य पुरोहित आते जितना उनको आप देते कम से कम उसका आधा दक्षिणा तो उनको देना चाहिए, उनका भी टैक्स होता है, हक होता है। वो छोड़ दीजिए, आपकी अगर अपनी कैपेसिटी नहीं है उस रूप में देने की तो जितनी स्थिति है उसमें अधिक से अधिक प्रयत्न करके अलग से उनके लिए दक्षिणा देना चाहिए। उचित यही होगा उनसे निवेदन करके बुला करके सुने तो सबसे उत्तम होता है। इसके बाद में सत्यनारायण कथा श्रवण करना चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मण को जिमाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिमाना चाहिए नहीं, उनको सीधा दान इत्यादि करना चाहिए, और इसके बाद में समय नहीं तो उसी समय भगवान का विसर्जन कर देना चाहिए, नहीं तो अगले दिन प्रातः पुनः स्नान करके बैठ करके जैसे आपने पूजा किया कम ज्यादा उसी भावना से जल से स्नान ही करा के टीका लगा के फूल हार चढ़ा के आरती करके भोग लगा करके प्रणाम करके फिर विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन में जैसे घर के देवता हैं तो उनके ऊपर मत छोड़िएगा, अगर आए हुए देवता हैं जिनको आपने सुपारी में बुलाया अथवा नारियल में बुलाया है अगर और या अथवा इन्हीं मूर्ति का रोज पूजा नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी ये चावल छोड़ दीजिएगा। जैसे इन मंत्रों को सुनते हुए यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम कम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, ऐसा करके अखंड दिया के पास भी छोड़ दीजिएगा।
जब तक घी है जलने दीजिए, बाद में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री है, जो अच्छी सामग्री है, वस्त्र है, दक्षिणा है, फल कुछ आप ले लीजिए, और ये सत्यनारायण का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में वितरण करना चाहिए। और इसके बाद में जो अच्छी सामग्री अपने आचार्य पुरोहित को अथवा मंदिर के जो सज्जन सहयोग ब्राह्मण उनको दे देना चाहिए। रही बात सत्यनारायण कथा की, सत्यनारायण कथा देववाणी संस्कृत में बड़ा ही महत्व है, उसमें अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो अपने चैनल पर भी बहुत शीघ्र जो इस लिंक को आप टच करेंगे तो आपको सत्यनारायण भगवान की संस्कृत में कथा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी में भी प्रयत्न करूंगा, हिंदी तो ऐसे भी आप लोग पढ़ लेते हैं, उसमें भी देने का प्रयत्न करूंगा। थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, जैसा भगवान ने दिया वैसा कीजिए, करना आवश्यक है। इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान जैसी कथा पूजा जितनी सरल है और जितनी उपयोगी और जितना परम कल्याणकारी है वैसा शायद ही कोई अनुष्ठान हो, इसलिए हर व्यक्ति को यथासंभव अवश्य करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। इस वीडियो को बनाने में हमारे आचार्य चक्रपाणि जी का बड़ी ही भूमिका रही हर रूप में। और लेकिन हाँ, अगर आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को जरा शेयर कीजिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, मतलब अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और जुड़ेंगे तब जब आपके वीडियो को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं उपयोगी वीडियो है तो अवश्य अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, वो तो आप लोग करते ही अगर आपको लगेगा तो। और भगवान सत्यनारायण की कृपा, माँ महालक्ष्मी जी की कृपा आप सब परिवार पर बनी रहे। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और हाँ, सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा कैसे क्या करें, एक वीडियो और उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा है इस लिंक को टच करके देख लीजिएगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले। क्यों मेरा क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले।